अभिनेता और वर्दी सुधर जाए तो पूरा भारत सुधर जाएगा, और ज्यादा मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कुछ। वो उनके सामने नहीं टिक पाते। नीतीश कुमार एक बिहार बिहार में है, लेकिन ऑल इंडिया में नहीं। देंगे एक बार और मौका, कुछ नहीं हो सकता। ये तो हम इंदिरा गांधी के टाइम से सुनते आ रहे हैं, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी, कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ रेवड़ियाँ बट रही है। केजरीवाल अपनी रेवड़ी बांट रहा है, बीजेपी अपनी रेवड़ी बांट रही है, अशोक गहलोत अपनी रेवड़ी बांट रहे हैं, ये रेवड़ियाँ बट रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। संजय सिंह गवाह बना लिए अपने, अब ये तो है नहीं कि गवाह गवर्नमेंट गवाह तो अपने बनाया उन्होंने, और जो मर्जी कह लो 100 करोड़ का प्रूफ दिखाओ, कहाँ 100 करोड़। जिसकी मर्जी जमीन पे कब्जा कर लेता है सब कुछ है, उसे बीजेपी वालों ने बचा लिया। चौबीस का चुनाव नजदीक है और पार्टियों ने अपनी तरफ से यहां पर आरोप और प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, तो दूसरी तरफ विपक्ष की पार्टियों का यही कहना है कि ये भाजपा सरकार का दोहरा रवैया है, यानी कि यहां पर भाजपा सरकार कहीं ना कहीं जो है विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का प्रयास कर रही है। अभी हम गांधीनगर में मौजूद हैं, यहां से जो है गौतम गंभीर सांसद हैं, और आप समझिए कि गांधीनगर की जनता की क्या परेशानियां हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था कि यहां पर जो है बहुत भीड़ हुआ करती थी, तो जब हम यहां से निकले तो तमाम लोग ये कह रहे हैं कि जो है मार्केट का जो धंधा है वो कहीं ना कहीं जो है चौपट चल रहा है, जनता तक नहीं पहुंच रही है, खरीदारी जो है नहीं हो पा रही। लेकिन सवाल यहां पर ये रहेगा कि आखिर 2024 के चुनाव में जीत किसकी होगी। सवाल ये भी रहेगा कि आखिर जनता को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। दर्शकों, यहां की जनता से ही हम जानेंगे कि आखिर क्या क्या समस्याएं जो है उनको देखने को मिलती है। इस समय सर हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है काका आपका? हरभजन सिंह। हरभजन सिंह सर, आप बताइए यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ जो है देखने को मिलती है इस मार्केट में? इस मार्केट में यही है कि भाई ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। हाँ। और वो जाम रहता है हर वक्त, आदमी ने कहीं जाना आना हो बड़ी दिक्कत है। अच्छा। और बाकी क्या आगे मार्केट है, होलसेल मार्केट है, तो उसकी वजह से मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि सामान जाना भी है आना भी है। और इसके लिए तो यही है कि भाई जैसे ये पुल बन रहा है तो अंडरपास रास्ता निकाला जाए ताकि आदमी इधर से आराम से जा सके आ सके। 24 का चुनाव नजदीक है काका, अब आपको वोट डालना है, किसको जिताने वाले, किसको वोट करने वाले इस बार? देखिए बात ये है कि मोदी जी के सारे काम सही है, लेकिन काम धंधे बड़े डाउन है, बिजनेस खत्म कर दिए इन्होंने, और हवाबाजी ज्यादा है, प्रॉब्लम ये है। व्यापार खत्म कर दिया, व्यापार खत्म कर दिया इन्होंने बिल्कुल। GST इस पे लगा, उस पे लगा, उस पे लगा, इनके बंदे तो खूब नोट कमा रहे हैं, लेकिन दूसरों के ऊपर ये छापे डलवाते हैं। अच्छा, संजय सिंह गिरफ्तार हो गया सर? हाँ, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए। अब ये तो देखो जी, पुरानी बात है कि जो जहाँ भी उनको पता लगता है कि यहाँ पर कोई फायदा इनका होने वाला पार्टी का, मुझे ED ID भेज देते हैं। 100 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, भाजपा का कहना है कि 100 करोड़ का घोटाला पकड़ा गया, दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया। वो ठीक है, लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है, गवाह बना लिए अपने, अब ये तो है नहीं कि गवाह गवर्नमेंट गवाह तो अपने बनाया उन्होंने, अब जो मर्जी कह लो, 100 करोड़ का प्रूफ दिखाओ, कहाँ 100 करोड़ मांग लो एक मिनट के लिए। अब पहलवानों को ने वो कहा था ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कि एक नंबर गुंडा का हैवी आदमी है, जिसकी मर्जी जमीन पे कब्जा कर लेता है सब कुछ है, उसे बीजेपी वालों ने बचा लिया, और आम आदमियों को परेशान करते। मतलब बीजेपी पार्टी अपने नेताओं को बचाने का काम करती है? बिल्कुल, उनके आदमियों का आज तक का ED ID का छापा क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी है। मतलब संजय सिंह गुनहगार नहीं है आपकी नजर? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गुनहगार नहीं है, गुनहगार है जब तो कुछ ना कुछ बात निकली है। सिसोदिया की जमानत में और कोई ना कोई ड्रामा हो गई। मनीष सिसोदिया की आपने बात की, इंडिया अलायंस हो गया, एक गठबंधन बन गया है, आपको लगता है गठबंधन इस बार जो है भाजपा को हरा पाएगा, भाजपा को टक्कर दे पाएगा? मोदी जी को अभी हरा नहीं पाएगा, क्योंकि विपक्ष में कोई नेता नहीं, राहुल गांधी नहीं है, वो उनके सामने नहीं टिक पाते। नीतीश कुमार एक बिहार बिहार में है, लेकिन ऑल इंडिया में नहीं। ममता बनर्जी भी हैं गठबंधन का हिस्सा, वो सिर्फ बंगाल में, बंगाल में, मतलब कोई नेता नहीं है जो इनका मुकाबला। राहुल गांधी जो है फिर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने वाले हैं काका, क्या लगता है कि कुछ असर होगा? ये असर तो हुआ है, और एकता से असर ज्यादा होगा।
जिस तरह अगर ये पार्टी आपस में ना लड़े तो बहुत पहली टक्कर है। मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बना देंगे, भारत से जो है गरीबी हटा देंगे, बेरोजगारी हटा देंगे, एक बार और मौका। कुछ नहीं हो सकता, ये तो हम इंदिरा गांधी के टाइम से सुनते आ रहे हैं, गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी, कोई कुछ नहीं करता है, सिर्फ रेवड़ियाँ बट रही है। केजरीवाल अपनी रेवड़ी बांट रहा है, बीजेपी अपनी रेवड़ी बांट रही है, अशोक गहलोत अपनी रेवड़ी बांट रहे हैं, ये रेवड़ियाँ बट रही हैं और कुछ नहीं हो रहा। संजय सिंह एक आरोप लगा रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि ये देश जो है वो अडानी के हाथों में है, अडानी जो है वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री अडानी की नौकर है, इससे आप सहमत हैं? अडानी ने मदद करी है मोदी जी की, बहुत तगड़ी मदद करी है, उनके साथ ही रहे हैं, और अडानी जी की ने मोदी जी का फायदा उठाया है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे 24 चुनाव को कैसे देखते हैं। काका ने अपनी बात रखी, आपका नाम क्या है सर? मैं तो यही कहूँगा यदि नेता और वर्दी सुधर जाए तो पूरा भारत सुधर जाएगा, और ज्यादा मैं बोल ही नहीं सकता हूँ कुछ। अच्छा, नेताओं में क्या कमी देख? मैं बस देखना क्या, सबको दिखाई देता है, अंधा हो चाहे लुढ़ा हो लंगड़ा हो, सबको दिखाई देता है, नेता और वर्दी में दो ही, खाकी और वर्दी दो ही में कमी है, कुछ कमी नहीं। नेता और वर्दी सुधर जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है, क्यों? क्योंकि हर जगह क्या करप्शन नहीं है? कौन सी जगह करप्शन है? यहाँ गांधीनगर में मकान बनता है, एमसीडी वाले पुलिस वाले सब नोट लेते हैं, चल रहा है, क्या करोगे उसमें? बगैर एमसीडी के दिए पैसे यहाँ को नक्शे पास थोड़ी होते, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है हर जगह, करप्शन है। वो तो शुरू से है, आज भी रहेगी, वो खत्म नहीं हो सकता। लोग हैं यहाँ बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वह क्या सोचते हैं, रिक्शा चालक भी हैं और जो है लगातार यहाँ पर यही बात कही गई कि ट्रैफिक बहुत लग जाता है, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा उनका सामना करना पड़ता है। आपका नाम क्या है? राजू। आप रिक्शा चलाते हैं? चल रहा है आपका? जाम इतने कहाँ चल रहा है, पूरे दिन में जाम था 100 रुपये 200 रुपये कमा पाता हूँ, घर का खर्चा चल पाता है, जाम की वजह से नहीं चल पाया, काम तो है लेकिन जाम है बहुत। जाम बहुत? कितने सालों से आप यहाँ पर जाम देख रहे हैं, कब कब लगता है ये? तो मैं तो 17 साल हो गए जब से जाम है, तो जाम लगता है, कोई नियम से चलते नहीं है, नियम से चले तो जाम ही ना लगे, कोई इधर घुस जाता, कोई बीचों बीच दो चर्चे चल रहे हैं चलाते हैं। सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, सरदार जी बोले तो, सरदार जी बोले नहीं, अपनी अपनी मन की बात की, अपनी मन की बात बताइए ना। सरकार की है कि थोड़ा व्यवस्था करे कि जैसे टाइट व्यवस्था रखे कि हाँ कोई रोंग साइड जैसे चलते हैं ना तो उनको थोड़ा रोके, जाम ही नहीं लगेगा। फिर अभी इसके चुनाव को लेकर आपकी, अभी जाके देखो मार्केट के बीचों बीच पूरी चौक होया पड़ा है, चुनाव के बारे में मैंने बता पाया। आपका वोट किसको रहेगा 24 में? मेरा वोट है नहीं यहाँ का, बिहार का तो होगा, यूपी का है हमारा, यूपी देश का हिस्सा है, पूरे देश में चुनाव होना है 24 में। अच्छा, तो आपने क्या काम देखा, किसको आप पसंद करते हैं? हम तो योगी को करेंगे पसंद, सीएम योगी करो यूपी में। तो यहाँ पर योगी को लेकर बातचीत की गई, और भी लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर गांधीनगर की समस्याएं क्या क्या हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज सिंह। क्या क्या समस्याएं नजर आती है आपको यहाँ पर? यहाँ पे तो जाम बहुत मिलता है भाई साहब, हाँ थोड़ी समस्या हो, जाम बहुत है और कमाई नहीं मिलता, कमाई नहीं मिलता है। चुनाव नजदीक आ गए सर 24 के, आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं, यूपी कहाँ से हैं? हम गोंडा जिला से हैं। तो इस बार किसको वोट करने वाले हैं भाई? जिसको आप कहोगे उसको देंगे, आप आ जाएगा तो देंगे। आ गया नजदीक, आ गया, आप फिर कहोगे सरकार काम नहीं करती है तो आपसे सरकार होगी किस काम करवाने वाले हैं? अरे आगे आगे आने दो तो फिर उसको देखा जाएगा, ये तो उनको देखा जाएगा। और भी लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे, समझेंगे कि आखिर चुनाव को लेकर उनके क्या मसले हैं। यहाँ पर एक दो छोटी सी टपरी है, देखिए यहाँ पर लोग आते हैं खरीदारी करते हैं अपना नमकीन बिस्कुट चाय। क्या नाम है सर आपका? सोनू। कितने सालों से आपकी दुकान चल रही है सर? 30 सालों से। 30 सालों से आप यहीं पे हैं जी। क्या क्या आपने 30 सालों में यहाँ पर ऑब्जर्व किया, क्या क्या परेशानियाँ गांधीनगर की? परेशानियाँ फिलहाल पहले कुछ नहीं, अब थोड़ी परेशानियाँ हैं, मार्केटिंग है और थोड़ा सा इसमें पहले डबलिंग की थी और अब क्या है कि ऑनलाइन का सिस्टम ज़्यादा हो गया है तो इसलिए यहाँ मार्केट में कम भीड़ होने लगी है। पहले बहुत ज़्यादा रश होता था लोगों की, ने भी ये बात बताई कि यहाँ पर मतलब भीड़ बहुत कम। हाँ अब भीड़ कम होने लगी क्योंकि ऑनलाइन की वजह से लोग बाग ऑनलाइन पे खरीदारी कर ही लेते, ऑनलाइन की वजह से फिर मार्केट में आते नहीं है, इसलिए भीड़ कम होती, फिर खरीदारी कम होने लगी, फिर काम भी कम होते चला जाता है, इससे व्यापारियों को घाटा है, दुकानें बंद हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत दुकानें बंद हो रही हैं इससे, क्योंकि लोग बाग
अब किराया भी निकालना है, जब पब्लिक आएगी खरीदारी होगी तभी तो आगे भी लड़के रखते हैं, फिर खरीदारी लोग खरीद के ले जाएंगे सामान, तभी तो किराया भी देना उनको, लड़कों को भी देना, बहुत सारी चीजें हैं। गौतम गंभीर यहाँ के सांसद है, कभी एक बार दौरे वगैरह पे आए देखने आए कि जनता आते हैं? आते हैं, ऐसी बार नहीं, आते हैं, कई बार आए, कई बार आए। और यहाँ का विधायक भी है अनिल, हाँ, अनिल वाजपेयी, हाँ। वो भी आते हैं, वो भी आते हैं। सवाल मेरा ये रहेगा, 24 का चुनाव नजदीक है सर, किसको आप वोट करने वाले हैं, कौन सी सरकार को आप भरोसा जताएंगे इस बार? अब चुनाव आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या है, फिर उसके बाद फिर क्या होता है।